₹5, हालांकि फ्री सामान है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आदमी का स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। ₹5 देने के बाद में वो कहता है जरा सी दाल दीजिए, जरा सी करिए। तो एक दिन ऐसे ही घर पे बैठे हुए थे, मेरी मदर की इच्छा हुई, बच्चे वगैरह सब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम गरीबों के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं करते। मेरी बेटी बोली पापा बढ़िया नाम है, दादी की रसोई के नाम से शुरू कर देते हैं। अब सवाल है ₹5 में कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। जब मैंने शुरू करा था ये ₹36 किलो दाल वगैरह होती थी, आज ₹125 किलो से ऊपर पहुंच गई है, टमाटर वगैरह भी सस्ते थे। इसके लिए आप देखिए लोग कैसे जुड़ने शुरू हुए। सब्जी वाला जो मुझे सब्जी देता है वो आजादपुर मंडी के रेट देता है, तो आज अगर मैं पूरी सब्जी उससे खरीदता हूँ तो मुश्किल से ₹100 की देता है, मुझे पता है वो अपनी जेब से दे रहा है। लोग जुड़ रहे हैं। अब किसी का जन्मदिन होता है, ₹5,000 में हम लोग उसको रसगुल्ले वगैरह भी बांट देते हैं, ₹5 में ही जनता को उसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है। 8-8:15 वहां से सब्जी खरीद लेते हैं, 10:15 तक यहां से खाना लेके हम 17 सेक्टर के वहां पे अपने काउंटर पे चले जाते हैं। उसके बाद में वहां से 11:30 यहां लौटते हैं, 12:30 से फिर हम दोबारा शुरू करते हैं 3:30 तक। हमने 8-10 वेरायटी रखी है, तो उसमें चने की दाल है, अरहर की दाल है, लोबिया, राजमा, काले चने, छोले, ये 7-8 तरह की वेरायटी हम लोग मंगा लेते हैं। सोयाबीन हमने सैटरडे के दिन फिक्स करा हुआ है, संडे के दिन हमने खिचड़ी रखी है, सारे ऑफिस वगैरह सब बंद होते हैं, 200-250 आदमी रहता है। फेस्टिवल पे तो कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देता है, जैसे मैंने बताया किसी ने रसगुल्ले कह दिए, किसी ने कुछ कह दिया। हम लोग एवरेज 450 आदमी का खाना बनाते हैं। हमारा टाइम 2 बजे तक है, कई बार 2 बजे तक नहीं खत्म होता, उतने आदमी नहीं आते तो 2:30 बजे तक एक्सटेंड हो जाता है, 3 बजे तक हो जाता है, उसके बाद में खाना कई बार बच जाता है तो वो फिर हमारे जो आसपास के सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं उनको हम फिर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।